नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही कार उस समय हादसे का शिकार हो गई जब वो टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में गुजराना के पास से गुजर रही थी। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे की पहाड़ी से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। उस समय वाहन में दो लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी की भी जान को खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों ही कार में फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोगों ने संबल और कुल्हाड़ी की मदद से कार को काट कर हादसे में घायल दोनों सवारों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। काशीपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों को कोविड इलाज करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन कुछ निजी कोविड अस्पताल महामारी के दौर में अपनी मनमानी कर रहे थे, आमजन को खासा परेशान कर रहे थे। लगातार शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से एक अस्पताल मल्टी स्पर्श काशीपुर ठेला के पल के निकट अस्पताल में छापे मार के कई खामियां पाई। इस दौरान मल्टी स्पर्श अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। काशीपुर पुलिस ने पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। काशीपुर कोतवाली में जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह गुआ ने दो मामलों का खुलासा किया। काशीपुर का एक निजी अस्पताल मनमाने रेट वसूल रहा था, मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर का संचालक ओवर रेट पर पल्स ऑक्सीमीटर बेचता था। कप्तान ने कहा कि जांच के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। पौड़ी जिले के विकासखंड खीरसू के भैंसवाड़ा गांव में दो व्यक्तियों पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। पौड़ी जिले के विकासखंड खीरसू के भैंसवाड़ा गांव में दो शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों का इलाज किया जा रहा है। दोनों में से काफी जख्मी स्थिति में है। जानकारी के मुताबिक भैंसवाड़ा गांव निवासी अनूप सिंह और आलम सिंह मवेशियों के लिए चारा लेने गांव के पास ही जंगल में गए थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जहां उनके द्वारा शोर मचाने के बाद उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों द्वारा भालू को भगा दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा निजी वाहन के माध्यम से दोनों घायलों को उसके बाद जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। प्राथमिक उपचार और मरहम पट्टी करने के बाद अनूप सिंह, जो कि गंभीर रूप से घायल है, उसे रेफर कर दिया गया। वन विभाग के लिए तो सभी जगह सूचना भेज दी, अभी तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई उनकी। और यहाँ पर हॉस्पिटल के कर्मचारी जो भी आप लगे हुए लगे हुए। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है? ये ट्रीटमेंट अभी ठीक ही चल रहा है उनका, उन्होंने फटाफट जो भी अपना उनको जो क्या स्थिति है यहाँ पे उनके, स्थिति ये कि तो खतरे से पूर्व है, एक तो यहाँ से रेफर करके बाहर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र धन सिंह रावत की विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ धन सिंह रावत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि घायलों को लाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी। घायल के परिजन 5,000 देकर निजी वाहन से उनको अस्पताल लेकर गए, वहीं वन विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं पहुँचे। पौड़ी से भगवान सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और पत्रकारों की अनदेखी के खिलाफ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकारों ने जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा का पतला फूंकते हुए अपना आक्रोश जताया। उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और पत्रकारों की अनदेखी के खिलाफ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकारों ने जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला महामंत्री आकाश आहूजा ने कहा कि इस कोरोना काल के समय में जहां सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों की देखभाल कर रहा है, उनकी कुशलता पूछने में लगा हुआ है, वहीं जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा पत्रकारों के मरने के बाद भी उनकी सुद लेने के लिए तैयार नहीं है। पत्रकारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जिला अध्यक्ष राजीव चाला ने कहा कि किसी भी कीमत पर उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पत्रकारों के साथ ढुलमुल रवैया अपनाने वाले सूचना विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संगठन के वरिष्ठ सदस्य केपी गंगवार ने कहा कि शीघ्र ही जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा और सूचना विभाग में सुधार नहीं आया तो पूरे मामले को लेकर यहां से देहरादून तक प्रदर्शन होगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कंचन वर्मा ने कहा कि सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सभी ने पत्रकारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मरने वाले पत्रकार और उनके परिवार के प्रति श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की पूर्ण श्रद्धा है। पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शीघ्र ही कैंडल मार्च निकालेगी। इस अवसर पर पत्रकार राजीव चाला, सौरभ गंगवार, कंचन वर्मा,
मनीष कश्यप, अजय चड्डा, केपी गंगवार, सोम कोली, राजकुमार फुटेला, मनोज आर्य पत्रकार मौजूद रहे। रुद्रपुर से मुकेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।